बेटा फ्रेश टॉपिक है, न्यू टॉपिक है सभी के लिए। जो पुराने लोग हैं या जो आज फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनका ले लें। कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू, तो ये टर्म सुने बेटा कभी? एमयू यस सर, साइंस टेस्ट में जब एटॉमिक मास लिखते थे तो वहां पे एमयू लिखते थे, है ना बेटा? यस तो इस एमयू का फुल नेम क्या है बेटा? अलीगढ़ मुस्लिम सर, यूनिवर्सिटी। अच्छा, मुझे लगा कोई बोलेगा सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसा तो नहीं बोलने वाले थे ना। नो सर, एटॉमिक मास यूनिट। मास नेट, एटॉमिक मास अभी जो हम 11th में बात कर रहे हैं तो मैं वहां बोलता हूँ ग्राम पर मोल, यही बोलता हूँ ना बेटा? यस सर, और यस तुम लोग जब उसमें पढ़ते थे 9th-10th में तो वहां पे एमयू, तो कई लोगों का कंफ्यूजन सर वहां पे एमयू पढ़ाए हैं और आप बोलते हो ग्राम पर मोल, ऐसा क्वेश्चन कई लोगों के मन में बरसों से चला आ रहा है जब से क्लास अटेंड कर रहे होंगे। या फिर डाल्टन्स में यूज होता है यहाँ पे, है ना बेटा? दोनों एक ही है, डाल्टन्स मतलब एमयू ले सकते हो, ठीक है ना? तो होता है क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू, तो मालूम है बेटा डेफिनेशन इसका? डेफिनेशन मालूम है बेटा क्या होता है एमयू का किसी को? कार्बन 12 के बेसिस से बताया गया बेटा। कार्बन 12 कहने का मतलब समझ में आता है बेटा? कार्बन के तीन हम शक्ल हैं, बहुरूपिया जिसको बोलते हैं क्या बेटा? आइसोटोप, यस सर, ठीक है ना? कौन कौन से बहुरूपिया बेटा? तीन हम शक्ल, कार्बन C12, ट्वेल्व थर्टीन हाँ C13, 14, वैसे हाइड्रोजन का भी होता है। तीन तीनों बहुरूपिया में किसकी बात कर रहा हूं मैं? C12, C12। तो मार्केट में गए बेटा C12 कार्बन खोजने, वहां से खोज के लेके आए बेटा 12 ग्राम लेके आ गए, ठीक है ना बेटा? कार्बन C12 है उसका 12 ग्राम लेके आए। अब उस 12 ग्राम का 12 पार्ट किए, उसका भी क्या कर दिया बेटा? C12 कार्बन के 12 पार्ट में, C12 कार्बन का क्या कर दिया बेटा? 12 पार्ट। तो C12 कार्बन का 12th पार्ट में जितने एटम्स कार्बन के हुए, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन, ठीक है ना बेटा? उनका वेट इक्वल टू एमयू, समझा बेटा? तो करना क्या है, डेफिनेशन क्या है इसी के बेसिस पे, C12 के बेसिस पे। तो कार्बन 12 का क्या बेटा लिया गया? 12 पार। द टोटल एटॉमिक मास, द टोटल एटॉमिक मास ऑफ C12 कार्बन, द टोटल एटॉमिक मास ऑफ C12 कार्बन विच इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन। तो टोटल एटॉमिक मास किसका बेटा? C12 कार्बन का, जो किसके अंदर है बेटा? द टोटल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 विच इज प्रेजेंट इन 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 और C12, ठीक है ना बेटा? द टोटल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 विच इज प्रेजेंट इन 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 और C12 इज कॉल्ड एएमयू, इज कॉल्ड एटॉमिक मास, मास यूनिट और एमयू। तो ये है छोटा सा डेफिनेशन। तो कार्बन 12 का लिया गया कौन सा पार्ट बेटा? 12 12th पार्ट। उसमें देखा गया बेटा एटम कितने हैं, उन एटम का वेट, इन एटम का वेट, एटम का क्या लिया गया भैया? वेट वेट। और वेट जो आया उसी को हम लोग क्या बोल दिया बेटा?
mu. तो वही डेफिनेशन है, द टोटल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ऐसे लिखना था यार, कार्बन 12 एटम विच इज प्रेजेंट इन 12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, और ऐसे भी लिख सकते 12 सी, इज कॉल्ड एटॉमिक मास mu. तो स्टेटमेंट के हिसाब से बेटा क्या होगा बेटा, डेट मीन्स 1 mu इज इक्वल टू वॉट मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12. ठीक है ना बच्चा लो? यस सर. ये डेफिनेशन और से ये स्टेटमेंट बन गया, मतलब डेट मीन्स एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए. इसे कोई तकलीफ यहाँ तक डेफिनेशन तो याद रखना पड़ेगा ना बच्चा लोग. इसको आप करते हैं ड्रॉप. तो यहाँ तक कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ है बच्चा? नो सर. का से का हो गया? नो सर. समझ से परे ऐसा किसी को ऐसा लग रहा है, सदमा आ गया होगा, क्या क्या बता दिए सर? क्लियर है बच्चा लोग? अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ mu. अब पता तो चल गया ना, अब वैल्यू भी देखते हैं बेटा. वैल्यू ऑफ mu कितना होता है, mu का वैल्यू? वैल्यू ऑफ mu हेडिंग नोट कर लो बेटा. एक झटके में बता सकता हूँ बेटा, वैल्यू ऑफ mu का 1.99 × 10⁻²⁴ ग्राम में 27 kg में. लेकिन आया कहाँ से वो देखना बेटा, ठीक है ना? ये आया कहाँ से वो देखना है, और आया कहाँ से वो देखने के बाद उसको ये कैलकुलेशन उसका कुछ काम का भी नहीं है. तो तुम लोग बताओ, कैलकुलेट करके बताएं, डायरेक्ट वैल्यू नोट करवा दें, या फिर पूरा डिटेल में बताएं कि वो वैल्यू आया कहाँ से. बताओ क्या करें, लिख लो नहीं तो. 1 mu इक्वल टू 1.9 × 10⁻²⁴ ग्राम, और क्या होगा बेटा, kg हुआ तो 27. तो तुम लोग खोज के ला लो बेटा कहाँ से आया करके, बताओगे ना मुझे? ऐसा कोई बोल रहा था, मुझे सुनाई दिया थोड़ा धीरे से, फिर बोला ना बेटा ऐसा. खोज लोगे बेटा वैल्यू? सर प्लीज रिपीट. हाँ बोल रहा, 1 mu का वैल्यू 1.9 × 10⁻²⁴ ग्राम आया है. तो क्या कोई मुझे ये बताएगा ये वैल्यू कहाँ से आया करके? कोई बताएगा बेटा ये वैल्यू कहाँ से आया? कैसे निकाल सकते हैं बताओ बेटा. बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो बच्चा लो. बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, आपके कारण सभी क्लास वाले को डिस्टर्ब होगा. तो कोई बताएगा बेटा कहाँ से आया ये वैल्यू? सॉरी 1.9 नहीं बोला बेटा, 9 बोल देता है क्या? 6 है ना, 9 तो वो एक कार्बन का वेट आएगा वैसे. तो बताओ कहाँ से आएगा ये वैल्यू? कोई बताएगा बेटा वैल्यू है ये mu का 1.6 ना, मैं 9 कर दिया था तो मिस्टेक हो गया बेटा, 24 ग्राम. और केजी में देखा जाए तो बेटा
कहां से आएगा बेटा ये वैल्यू बता सकते हो? पूरा डेफिनेशन में छुपा है बेटा, पूरे चीजें किसमें छुपी हुई है बेटा? डेफिनेशन में। पूरा चीजें यहां पे छुपा हुआ है बेटा। एमयू मतलब मास ऑफ 12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है ना बेटा? तो कार्बन 12 एटम का मास कितना होगा बेटा? देखो चलो, बिकॉज ठीक है ना बेटा, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं हम, मास ऑफ 12 ग्राम कार्बन 12 एटॉमिक मास ना, एटॉमिक मास ऑफ C12 कितना बेटा इसका एटॉमिक मास? 12 इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। क्लियर है बेटा? कितना बेटा? 12 ग्राम पर मोल। अच्छा तो 1 ग्राम पर मोल का वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? ये इससे क्या समझ में आता है बेटा? अगर इससे क्या समझ में आता है बेटा कि 1 मोल का वेट ऑफ 1 मोल कार्बन 12, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू कितना है बेटा? 12 ग्राम। ये होगा कि नहीं होगा इसका मीनिंग? 1 मोल मतलब वेट ऑफ 1 मोल मतलब कितना अमाउंट होता है बेटा? 6.02 × 10⁻²। वेट ऑफ 6.02 × 10⁻²³ कार्बन 12 एटम इक्वल टू 12 ग्राम। तो 1 ग्राम का कितना आएगा बेटा? अब 1 कार्बन एटम का वेट क्या होगा बेटा? वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना होगा बेटा? (6.02×10²³) होगा कि नहीं होगा बेटा? यस सर। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? फर्स्ट लाइन से ये कैसे बना? क्लियर है बेटा? यस सर। फर्स्ट लाइन इंफॉर्मेशन है बेटा, याद रखना है, ठीक है ना? ये इंफॉर्मेशन है कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हम लोग लिखते ना बेटा 7 किलोमीटर पर आवर। मान लो साइकिल चला रहे हो, 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 7 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? 7 किलोमीटर पैदल। समझ में आया ना बेटा? पैदल चल रहे तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चले, तो वैसे यहीं पे है बेटा। ग्राम पर मोल बोला मतलब 1 मोल मतलब कितना वेट? 12 ग्राम। यहीं पे इसको क्या बोल दिया बेटा? ग्राम पर मोल। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? 1 मोल इक्वल टू 7 ग्राम, यही होता ना? तो कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम, मतलब ग्राम पर मोल बोला मतलब क्या होगा बेटा? 1 मोल इक्वल टू इतना। और जो नई बच्ची है तो सुन लो बेटा, उसे मोल मतलब होता है क्या? जैसा आपने दर्जन पढ़ा है बचपन से, सुनते आए हो या पढ़े हो, दर्जन मतलब कितने पीस होते हैं बेटा? 6। तो वैसे मोल मतलब कितने पीस होते हैं बेटा? क्वांटिटी यूनिट है, कितना पीस होता है ये तुमको याद रखना है, 6.02×10²³, ठीक है ना खुशी? यस सर। दर्जन मतलब 12 ना, दर्जन बता दिया था। हाँ, तो दर्जन मतलब कितना है? 12। तो मोल इक्वल टू कितना होता बेटा? 6.02×10²³। और हम सिंपलिसिटी के लिए कितना बोल देते हैं बेटा? सिर्फ 6, इसलिए वहां पे ऐसा आ रहा था। दिमाग बनाना चाहिए 10³³ से करना है मल्टीप्लाई, तो कंफ्यूज नहीं हो गए नए बच्चे लोग। तो एटॉमिक मास कार्बन 12 का क्लियर है बेटा? 1 मोल का एटॉमिक मास इतना, 6.02×10²³ एटम का एटॉमिक मास इतना, तो 1 का होगा कितना बेटा? वही वाला क्वेश्चन हो गया ना बेटा, 10 रुपया था मेरे पास, उस समय 5 पेन खरीद के लाया, ठीक है ना बेटा?
चलो 50 पेन खरीद के लेके आया, 1 रुपए में कितना पेन मिल रहा होगा बेटा? थोक में लिया था ना बेटा, फैक्ट्री से उठाया, कितना मिलेगा बेटा? 5 पेन होगा ना, तो वही है ना, 6.02 × 10³ का वेट 12 है, 12 है, तो एक का वेट कितना होगा बेटा? वेट ऑफ वन कार्बन 12 एटम इक्वल टू कितना होगा बोले जल्दी? बोलो ना भाई, 12 / 6.02 × 10³। ये वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 12 / 6.02 × 10⁻²० करोगे, 23 करोगे तो कितना आने वाला है बच्चा लो? जल्दी से बताओ वैल्यू। 1.99992423 ऐसा कुछ आता है, ठीक है ना बेटा? 10 की पावर में ये 23 ऊपर जाएगा तो 3 ग्राम। केजी में कितना होगा बेटा? ग्राम को 1000 से कर दोगे डिवाइड तो वो हो जाएगा 23 और हो जाएगा तो केजी, ठीक है ना बेटा? वेट ऑफ वन कार्बन एटम, ये क्या बेटा? वेट ऑफ वन कार्बन एटम निकल गया, ठीक है? अब mu इक्वल टू क्या है बेटा? 1 mu इक्वल टू 12 पार्ट किसका? वेट या फिर मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, तो 1/12 × कितना बेटा? ये 1.9 × 10⁻²⁰ ग्राम, कितना है बेटा? ये 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। और केजी के रेस्पेक्ट में बेटा 100,000 से डिवाइड कर दोगे तो 27 ग्राम। क्लियर है बच्चा? यस सर। तो याद रखो तो ज्यादा अच्छा बेटा, जल्दी से यूज कर लोगे बट भूल जाओ, ठीक है ना? तो पता होना चाहिए, कभी बोर्ड के लिए पूछ दिया, कैलकुलेट करो, फाइंड आउट करके बताओ, इस तरह से बता सकते हो। ठीक है बेटा, एमयू का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। अब इसका यूज किस लिए होता बेटा? पढ़ तो लिया है बेटा, यूज एक ही यूज है बेटा, इन द आइडेंटिफिकेशन या फिर कैलकुलेशन कर लो, इन द कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल और स्पीसीज, ठीक है ना बेटा? एक मॉलिक्यूल से एक एटम के स्पीसीज का वेट निकालना है, तब मास ऑफ वन एटम मॉलिक्यूल और स्पीसीज इक्वल टू एटम है तो कौन सा मास होगा बेटा? एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल्स हुआ तो मॉलिक्यूलर मास, एटम हुआ तो एटॉमिक मास, या फिर मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर मास इनटू एमयू। एमयू से क्या करते बेटा? इसको मल्टीप्लाई, तो निकल जाएगा
एक और तरीका बेटा, एक एटम मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा, वन एटम मॉलिक्यूल्स और स्पीसीज का वेट निकालना, तो 80 मतलब एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, इससे भी सेम वही एल आएगा, या फिर मॉलिक्यूलर मास है तो उसको भी एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दो बेटा डिवाइड। ये दूसरा तरीका भी है, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है बेटा। एमयू का वैल्यू याद है तो एमयू का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं याद है तो किससे डिवाइड कर दो बेटा, एवोगैड्रो नंबर, तो भी वही आएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन देख लो बेटा वैसा ही है, कैलकुलेशन ही देखो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड हो रहा है, पूरे को इकट्ठे एक साथ कैलकुलेशन को ला दूंगा तो क्या होगा बेटा, इतने से एरिया में ध्यान देना, पहले ये निकाले 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही ना बेटा, वन मोल के नंबर को भी फिर बाद में 12 से डिवाइड किए, तो 12 से क्या हो गया बेटा कैंसल, बचेगा क्या 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो उससे अच्छा उसी से डिवाइड ही नहीं कर देते लास्ट में एवोगैड्रो नंबर से, क्लियर है सभी को? यस सर। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, ये किसके इक्वल होता है बेटा 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर किसके इक्वल होता है बेटा 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दोनों से सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना बच्चे, चलो नोट कर लो। तो एमयू के थ्रू आप किसी वन एटम का मास निकाल सकते हो, एपीपीएस का पहले ही क्वेश्चन है इस टाइप का, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऐसा कुछ बोला था ना बेटा, देखो तो यस अब हो जाएगा वाला क्वेश्चन सॉल्व, तो नहीं बच्चे क्लियर है ना बेटा, yes, इतने डाटा को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं बेटा, 6.02 × 10⁻³। तो एमयू क्लियर है बेटा, कार्बन 12 का 12 पार्ट करके उसमें जितने भी मास आएंगे एटम का वही होगा एमयू, वैल्यू डायरेक्ट बता दिए बेटा, एमयू निकालने का तरीका भी बता दिए, एक एटम का वेट निकाले हैं उसको फिर उसका 12 पार्ट लिए हैं तब निकल गया बेटा। तो एमयू का यूज किस में होता है बेटा, एटॉमिक मास निकाल सकते हो ओनली वन एटम या फिर मॉलिक्यूल्स, एटम हुआ तो एटॉमिक मास से एमयू को मल्टीप्लाई, अगर मॉलिक्यूल्स हुआ तो मॉलिक्यूलर मास में, जल्दी से छाप लो बच्चे लो, तो यूनिट देखना बेटा आंसर केजी में दिया या ग्राम में दिया, सर ग्राम में दिया। तो किससे मल्टीप्लाई करके 1.6 × 10⁻²⁴ से, तो वही आंसर होगा बेटा ऊपर वाला ग्राम वाला, 1.6 × 10⁻²⁴ हाइड्रोजन एटम का ही बोला था तो 1 से मल्टीप्लाई होता, सॉल्व हो गया ना बेटा देखते ही, यस सर, छाप लिए सब कोई, यस सर। अब किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बेटा एमयू क्या होता है, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं सर, दुख दर्द है, हाँ बेटा सर, वो 1 mu is equal to 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम है सर, फिर उसके बाद आपने उसको केजी में कन्वर्ट किया तो वहां पे भी ग्राम ही लिखे शायद, अच्छा हाँ बेटा वो मार्कर अपने मन से चल गया बेटा, एक ग्राम में है एक केजी में, तो बदमाश हो गया मार्कर मेरा, अपने मन से कभी कभी चल जाता है, और कहीं ऐसा नहीं चल गया ना बेटा, यहाँ पे तो ठीक लिखे हैं, ठीक है ना बेटा, ग्राम से इसको केजी में कन्वर्ट किया था।
पुराना हो गया ना मार्का, मनमानी करता है, नया मार्का लेंगे तो नहीं होगा ऐसा मिस्टेक। ठीक है बच्चा लोग, यस सर, थाप लिए सब कोई, रब कर दो, यस सर। तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना, तो उसको किससे डिवाइड कर दो बेटा? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, तो वहीं पे सही हो जाएगा बेटा वो क्वेश्चन, मतलब तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। फाइंड आउट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन व्हाट, फाइंड आउट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, थर्ड CH4 मॉलिक्यूल, फोर्थ ये बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन CaCO3 मॉलिक्यूल, क्या कंपाउंड जो बोलना चाहते हो बोल लो। तो क्या होगा बेटा इसका वैल्यू, एटॉमिक मास इनटू 1 mu। एटॉमिक मास इनटू 1 mu, अच्छा मॉलिक्यूल्स है तो MOL डॉट कर लेते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 mu। हाइड्रोजन का वेट कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10^-24 ग्राम, ठीक है सबको ग्राम में निकाल रहा हूँ। यहाँ पे कितना है बेटा हीलियम का? 4 1.6 इंटू 10^-24 ग्राम। यहाँ पे कितना है बेटा CH4 का? 16 1.6 इंटू 10^-24 ग्राम। यहाँ पे क्या है बेटा 100। तो जो नई बच्ची है क्लास में उसको ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा, ये 16 कहाँ से आया ना बेटा। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बेटा ध्यान दो, थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं कि CH4 में कौन कौन सा एटम है बेटा, उसी बताओ। मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं इसका, CH4 में कौन कौन सा एटम है बेटा, कुछ बोलो। चलो मत बोलो, कार्बन और क्या है बेटा हाइड्रोजन। कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे? 4 1 हाँ कार्बन 1 है ना, हाइड्रोजन 4 है, जज्बाती हो गए तुम तो। एक कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है बेटा? 1 सॉल्व करने पे आएगा 16, यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। ठीक है यहाँ पर CaCO3 को जब तोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना, हथौड़ी मारक टूट गया बेटा, बिखर गया, ये बिखर के क्या क्या मिलेगा? कार्बन अलग फेंका गया, कैल्सियम अलग, 3 ऑक्सीजन अलग, सबके मास को रख दिया बेटा। इसको तोले कितना है बेटा, सॉरी कैल्सियम का वेट कितना आता है बेटा, इसको वेट करके आया इसका 40 आया, कार्बन का वेट किया तो 12 आया, ऑक्सीजन का वेट किया तो 16 आया, जोड़ दिए सम कर दिए तो 100 यूनिट होता है ग्राम पर मोल, चाहे एटॉमिक मास का या मॉलिक्यूलर मास का।
तो बन गया बच्चा सबसे क्वेश्चन, तो फर्स्ट का तो यही है बेटा आंसर, 1.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम। यहाँ पे क्या है बेटा, 6464 मतलब 6.4 into 10 to the power minus 24 ग्राम, यही है बेटा। यस सर। यस सर। यहाँ पे 25.6 into 10 to the power minus 24 या फिर बोल सकते हैं 23 ग्राम, ठीक है ना, दोनों सही है, 25.6 into 10 to the power minus 24 ग्राम भी सही है, ठीक है ना बेटा। यस सर। क्योंकि एग्जाम में एक डेसिमल के बाद साइंटिफिक नोटेशन में रहता है आंसर, यहाँ सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1.6 into 10 to the power minus 22, यही आंसर आया था बेटा सब में। यस सर। तो कर लोगे इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व, मतलब इस टाइप का। यस सर। अब इसको एवोगेटो नंबर्स भी क्रॉस चेक कर सकते हो बेटा, 4 को डिवाइड करोगे 6 into 10 to the power 23 तो कितना आएगा बेटा, 4 को डिवाइड करोगे 6 into 10 to the power 23 एवोगेटो नंबर से तो भी उतनी आएगा बेटा, बस डेसिमल के बाद पॉइंट में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, ठीक है ना, डेसिमल के बाद पॉइंट में थोड़ा सा फर्क आएगा लेकिन आंसर वही आएगा, जहां पे 6.4 है शायद वहां पे 6.55 या 6.6 आए लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। आ रहा है ना वैसे आसपास आंसर, अब कोई बोलेगा सर डेसिमल के बाद ना 6 आ रहा है, कोई बोलेगा 6.7 आ रहा है, कोई बोलेगा 6.5, तो चल जाएगा बेटा। तो क्लियर है? तो वन मतलब एक एटम का मास या वन मॉलिक्यूल्स का मास निकालने के लिए या तो उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो या 1 mu से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है बच्चा लोग? यस सर। हाँ तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ mu, क्या था बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ mu। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट, इसको शॉर्ट में इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट टॉपिक नोट करना बेटा, इक्विवेलेंट वेट। कभी नाम सुना बेटा इक्विवेलेंट वेट का? यस सर। लास्ट लेक्चर्स में कुछ सुने थे, वहां पे क्या बताया था बेटा इक्विवेलेंट वेट के बारे में? सर मॉलिक्यूलर मास अपॉन इन फैक्ट। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है ना बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन देखा जाए तो वो डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेफिनेशन देखा जाए तो उसी से बना है, डेफिनेशन से ही वो बना है, तो डेफिनेशन नोट करना है, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, डेफिनेशन नोट कर लो आगे कल कंटिन्यू करेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट्स, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सब्सटेंस, जो अच्छा लगे बोल लो, द नंबर ऑफ पार्ट बाई मास ऑफ सब्सटेंस विच इज कंबाइंड डायरेक्टली
और कंबाइन और डिस्प्लेस, कंबाइन और डिस्प्लेस्ड डायरेक्टली और इन डायरेक्टली विथ वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एट पार्ट by mass of oxygen. तो इनका वेट होता है 35.5 part by mass of chlorine, silver pressure में 108 part by mass of silver. नोट करने के बाद भेज जाओ, याद रखते तो अच्छी बात है, नहीं याद रखते तो भी कोई बुरा बात नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज कंबाइंड और डिस्प्लेस्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद वन पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एट पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन 35.5 पार्ट बाय मास ऑफ क्लोरीन 108 पार्ट बाय मास ऑफ सिल्वर is called equivalent weight. क्या ना बेटा इसे हम बोलते हैं equivalent weight. इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा equivalent weight. ये छोटा सा डेफिनेशन था, याद रख लो तो अच्छी बात है, ना याद रखो तो और भी अच्छी बात है बेटा. नोट कर लिया बच्चा लो? यस सर. ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन था छोटा सा. नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट. फर्स्ट बाय ऑक्साइड मेथड, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड. Second by halide formation method. ये method important है ना बेटा. By hydrogen displaced method. ये कुछ method discuss करेंगे, और भी method है ठीक है ना, electrolysis का method है, तो वो सब 12th में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी काम चलाने के लिए ये थी, और नीचे लिख लो टू बी कंटिन्यूड. ठीक है ना बेटा, बाकी सब कल देखेंगे. ये वीडियो रिकॉर्ड मतलब जो अपलोड करेंगे, जब उसका लिंक सेंड करेंगे तो प्रीवियस लेक्चर के ही लिंक सेंड कर देंगे बेटा. वहां पे मोल के क्वेश्चन देख लेना, जो लोग नए बच्चे लेंगे कवर कर रहे हो ना वीडियो देखकर. यस सर. अब कुछ डाउट रहता है तो पूछ लिया करो ना बेटा, जो आईडी यूज कर रहे हो वही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर व्हाट्सएप कर लिया करो. नहीं पता चल रहा है तो तुम इतना इतना एक्सपर्ट हो, ग्रुप में हम भी हैं, वहां से तो निकाल ही लेते हो तुम लोग नंबर. नए जमाने के बच्चे हो तुम लोग. ठीक है बेटा, आज की सेवा करते हैं फिर समाप्त. कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ बेटा, खुशी को समझ में आया? okay. सब चीज ऊपर से गया सर, आया समझ में. तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय सभी को, अपना ख्याल रखना सब. बाय सर. बाय सर.